मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये सब व्लॉगिंग व्लॉगिंग क्यों कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है यार। तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ मैं सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं बोलता हूँ। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। टुडे इज 31st of March, बज रहा है शाम का 4। मैं अभी एक व्लॉग एडिट कर रहा हूँ जो आपने कल देखा होगा, वो बस एडिटिंग चली रही है। और आपको याद होगा हमारे घर में एक भंडारा था, हमारे पड़ोसी हैं वो कर रहे थे, तो इस समय वही छत पे चल रहा है। देखो सब लोग आराम से बैठ के जो है वही भोजन ग्रहण कर रहे हैं छत पे, और मैं यहाँ पे व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, तभी मैं निकल नहीं पा रहा बिकॉज व्लॉग एडिट करके अपलोड करना ज़्यादा जरूरी है। तो लग जाते हैं अभी फिर से काम पे, 1.5 घंटा तक और लगेगा यार एडिट करने में। हाँ तो भैया जी, फाइनली बज रहा है 6:30, व्लॉग एडिट हो चुका है, अपलोड कर दिया, फ्री हुए हैं। आजकल व्लॉग एडिट अपलोड करने में लग जाते हैं 3.5 से 4 घंटे, क्योंकि तुम लोग देख रहे होगे अब बिल्कुल व्लॉग्स का पैटर्न मैंने बदल दिया है, हर व्लॉग अलग ही तरीके का कुछ होता है, इसलिए भाई उन सब चीजों को एडिट करने में टाइम लगता है। एक जैसा हमारा कोई भी व्लॉग नहीं रहता, किसी में कुछ अलग तरीके की सेटिंग हुई, किसी में कुछ अलग होगा, तो फिर यू नो तो टाइम तो लग ही जाता है थोड़ा। फिलहाल मैं बस होता कुछ जा रहा हूँ छोड़ने के लिए चुंगी तक, बिकॉज ये थोड़ा कहीं काम से जा रहे हैं थोड़ा दूर, तो इन्हें छोड़ देते हैं चल के चुंगी तक। तो बस होता को जहाँ छोड़ना था वहाँ छोड़ दिया, अब ये जाएंगे मामा जी के साथ, अभी आ रहे होंगे ना जाने कार बाइक जिससे भी जाए पता नहीं। तो बाकी फिलहाल चलते हैं हम घर, बिकॉज अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, आंखें बिल्कुल दर्द हो रही हैं। सो यार सुनो, अभी ना कुछ 5-6 दिनों में इतना ज्यादा हम बिजी रहने वाले हैं, बिकॉज अभी कुछ दिनों के अंदर व्यायाम का अनुप्राशन होने वाला है, तो अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाएंगे। और जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे थे उस पे अभी रिसर्च समझ लो 2% भी नहीं हो पाई है, बिकॉज अभी इतना ज्यादा बिजी है कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वैसे वो जो प्लान था हमारा कल 1 तारीख है, 1 तारीख से शुरू करना था, बट उस पर रिसर्च में टाइम लगेगा, तो ये वाला जो है पूरा महीना रिसर्च में चला जाएगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। उसके बाद अगले महीने उस चीज़ को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, बाकी अभी तुम लोगों को पता नहीं है वो क्या चीज़ है, मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, लेकिन जो भी चीज़ होगी ना मज़ा आ जाएगा उसमें। तो वहाँ से आके 1 घंटा तक अपना आराम से रेस्ट किया, अब जा रहे हैं दावत खाने के लिए भंडारे वाली जो थी। सीधे अपन यहीं से छत से ही चले जाएंगे, नीचे से पहुँच जाए, यहीं पर रास्ता यहीं पर सब हुआ था, यहीं से चले जाते हैं। यहाँ से सब ये सामान हट रहा है बिकॉज अभी बरसात वाला मौसम हो गया था, बादल आ गए थे, अभी पानी भी बरसेगा तभी हट गए। हाँ लो बना लिया, अब क्या करें, बना लिया बस, खुश मिल गए शायद। तो प्लान में चेंज, वैसे हम लोग उधर ही जा रहे थे लेकिन अभी सारा खाना इधर ही आ गया, तो हम सब लोग यहीं पे खा लेंगे, हम पड़ोस वाले मामा और 1-2 लोग और बाकी यार भाई साहब बादल बहुत जोरों के आ रहे हैं उधर से, ये पूरा हिस्सा जो है चमक रहा है, देखो हल्की सी लाइटनिंग उठ रही है पूरे एरिया में, यानी कि अभी पानी बहुत ही मस्त बरसने वाला है यार थोड़ी देर में। और हम सबके लिए खाना इधर आ चुका है, मस्त फुल पावर, सब लोग यहीं जमीन पे खाएंगे आराम से, जैसे भंडारा खाया जाता है यार, जमीन पे बैठ के खाने में अलग ही मजा आता है। तो यार बस अभी जो है हम लोगों ने खाना पीना खाया है, 10-20 मिनट हुआ होगा और बहुत जोरों की आंधी आ गई है, बहुत जोरों का पानी आया लिटरली, देखो बिजली कितनी तेज कड़क रही है भाई साहब, और अभी यहाँ पे बहुत तेज पानी बरसेगा, अभी यही 30-40 किलोमीटर दूर ओले गिरे हैं काफी ज्यादा बड़े बड़े, तो अभी यहाँ पर भी मस्त पानी बरसेगा यार, देखो कितने मस्त बादल गरज रहे हैं यार ये। ओए ओए चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। भाई साहब इतनी खतरनाक बिजली कड़क रही है, मैंने कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लिए हैं जो कि मैं रील्स पे डालूंगा एडिट करके, भाई साहब बड़े खतरनाक, मम्मी आ गई बुलाने के लिए, बिजली कड़क रही है, इतने मस्त मस्त शॉट आ सकते हैं अगर आज यहाँ ले लेता हूँ। अरे भैया यार हमें गजब भेजती है छोटे भाई। हाँ तो भाई लाइट तो आ गई, लेकिन जरा आप ये चेक करें कितना मस्त पानी बरस रहा है, बहुत ही मस्त। और कल सुबह ना मामा और मामी को लखनऊ जाना है दिखाने के लिए, वही सेंट्रल कमांड, मैं सोच रहा था मैं भी चला जाऊँ, लेकिन अगर ये ऐसा ही पानी बरसता रहा ना तो कल लखनऊ भी नहीं जा पाएंगे, सुबह ट्रेन है 6 बजे की, लेकिन पानी चेक करें आप कितनी तेज बरस रहा है यार। खैर इतना मस्त पानी बरसेगा तो हमारा किचन गार्डन बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, और बाकी आज से IPL शुरू हो गए हैं तो यहाँ पे मस्त IPL देखा जा रहा है टीवी में। जाए हम तेरी बारात है ना सब। गुड मॉर्निंग, बजने जा रहा है सुबह का 6:30 और बस हम निकल रहे हैं अभी 2-3 मिनट के अंदर अंदर, बिकॉज ट्रेन है हमारी 7:18 पे, वैसे ट्रेन थी 7:50 पे लेकिन थोड़ी सी लेट चल रही है 10-15 मिनट, ट्रेन बहुत मैम को अच्छा खिलाया जा रहा है। ट्रेन जो है बस 10-15 मिनट लेट है, सुपर फास्ट ट्रेन है, सीधे चंडीगढ़ से लखनऊ जाती है, तो ज़्यादा स्टॉपेज है नहीं, हरदोई के बाद सीधे लखनऊ रुकेगी, तो बस वही निकल रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ फाइनली। मौसम सही नहीं है और एक इंसान को तकलीफ होनी चाहिए ना, तो चलो चलते हैं, ले जाए ना भी, चलोगे लखनऊ, चलोगे लखनऊ, चलोगे लिए चले लखनऊ, जाओगे लखनऊ। फिलहाल चलो यार ऑटो करते हैं, सुबह ऑटो भी नहीं मिलेंगे ना स्टेशन के लिए इतनी जल्दी। सुबह का भी चेक करें, इतना प्यारा हो रखा है, पानी बरसा था ना रात भर, बहुत ही मस्त मौसम हो रखा है, और आगे मेरे को लग रहा है किसी और कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं कौवे उड़ रहे हैं, यहाँ भाई साहब रोड का यही है एक्सीडेंट होते रहते हैं, जहाँ पे कौवे उड़ रहे हैं ना वो सामने देखो वो वहाँ पे वहीं पे इन्हीं का भी एक्सीडेंट हुआ था। बाकी अब ये चेक करें हमारे यहाँ ये जो सैतूत का पेड़ है इसमें सैतूत कितने ज़्यादा लगे हैं, सब ऐसे ज़मीन पर गिर जाते हैं, अब तो कोई खाता नहीं, पहले छोटे पे मैं भी खूब खाया करता था, इसे भी लिए जाएँ क्या यार,
इसे भी लिए जाए, अभी तुम्हारा अन्नप्राशन नहीं हुआ है वरना तुमको भी हम लिए जाते। जाना है, आना है। वो लो, हमें देखते ही हमारे मित्र आ गए, सबसे अच्छे मित्र आ गए साइड में। क्या बात है, क्या बात है, तुम तो यार तुम्हारे पास कतई यार चढ़ जाते हो, अभी मैं नहा के आया हूं, उसके साथ मैं खेलना नहीं चाह रहा था। देखो अभी सब घर वाले खड़े, अगर अभी मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तो मेरी डांट पिट जाएंगी, बोलेंगे तुम नहा धो के आए और उसके साथ खेल रहे हो। हाँ हाँ खेलेंगे, पक्का खेलेंगे, पक्का खेलेंगे। इससे खेलने के लिए कितना पागल हो जाता। फाइनली ऑटो रुक गया, चलो ऑटो में बैठते हैं। तुम्हें जाकर भी ना, कहाँ चल रहे तुम? मना मानी है मानना, यही रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बात है तेरे नाम सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती। तो भाई फाइनली पहुंच चुके रेलवे स्टेशन, रिजर्वेशन अपना, स्लीपर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से चले जाएंगे लखनऊ तक। बाकी सुबह सुबह इतना मस्त मौसम हो रखा है स्टेशन पर। एंड आज भी मैं गाइस 5:30 बजे उठ गया था, कल भी मैं उठ गया था जल्दी से, तो अब अपना जल्दी उठना शुरू है। एंड अब हम जल्दी उठते रहा करेंगे, बिकॉज अभी जल्दी उठेंगे ना आराम से तो आगे चल के आराम से देर तक सो सकते हैं। इसलिए भाई अब कुछ करूँ या ना करूँ, जल्दी उठने की आदत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारे आगे भी काम आएगी। जिस चीज़ पर हम वर्क कर रहे हैं ना, उस पर समझ लो जल्दी उठना और फिटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए फिटनेस पे ध्यान भी दे रहे हैं और जल्दी भी उठा करेंगे। प्लेटफॉर्म के उधर जाना है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी एक मालगाड़ी जा रही है, यहाँ से जब निकल जाएगी तब क्रॉस करेंगे। हम हमें डिब्बे गिन रहे हैं, इसके हम भी गिना करते थे डिब्बे, अभी हम भी गिन रहे हैं, भूल गए यार अभी ब्लॉग के चक्कर में, लेकिन हम आवा गिन रहे हैं। कितने हुए? 20 हो चुके हैं, 40 तक होंगे ज़्यादा, अभी लंबी ट्रेन है। पता है मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ये सब व्लॉगिंग वॉगिंग क्यों कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है यार, क्या मतलब मजा आती है। तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ मैं सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं बोलता हूँ। ये सब चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक वो लाइन नहीं अमित भड़ाना की कि अपने माँ और बाबू जी का नाम रोशन करके इस दुनिया से जाना है मुझे, तो बस अब वही सीन हो रखा है, जो करना था बिल्कुल अलग करना था सबसे और वही कर रहा हूँ, आगे चल के भी वही करूँगा। और बाकी माँ और बाबू जी तो हैं ही, और साथ में एक चीज़ और है जिसकी वजह से ये सब है, वो है ये जो नाम आपको लिखा दिख रहा है ना हरदोई, इसका भी नाम रोशन करना है यार साथ में। लाल बहुत बड़ा पोपट हो गया, हम लोग प्लेटफॉर्म के लास्ट में चलते आए थे उधर जाने के लिए, बट ट्रेन यहीं पे रुक गई आगे तक, तो फिर से वापस जा रहे हैं, अब पुल के ऊपर से जाएंगे। मामन से तो चलो यार वॉक करके चलते हैं आराम से पूरा प्लेटफॉर्म, लेकिन आए यहाँ पे फिर ये ट्रेन खड़ी हो गई, अब चलो यार उस पुल के ऊपर ही से जाते हैं। फाइनली भाई अनाउंसमेंट हो गया 7:30 बजे, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा लेट हुई, आधा घंटा तक लेट हुई, ये सुपर फास्ट है ना, बहुत जल्दी पहुंचा देगी। फाइनली ट्रेन आ गई और अपना डिब्बा आ गया है, बाबी भी डिब्बा पलट दिया जाने लगा पीछे, आज भी दिक्कत हो गई, ऐप में दिखा रहा था आगे डिब्बा आएगा बट पीछे डिब्बा आ गया। इंडियन रेलवे ये ऐसा क्यों मतलब। हाँ सो भाई पहुँच गए, इसमें मामा जा रहे हैं और मैं इधर वाले डिब्बे में चल रहा हूँ, बिकॉज मामा का रिजर्वेशन कर दिया था, मेरा कल रात में प्लान बना तो जनरल की टिकट ले लूँगी। तो मामा मामी को उनके कोच में बैठाने के बाद मैं चढ़ गया जनरल डिब्बे में, और देखने में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे को एक RAC सीट मिल गई, तो मैं उस पर आराम से बैठ गया विंडो सीट पर और आराम से व्यू लेते हुए गया, लेकिन आगे पानी बरसने लगा इसलिए मैंने विंडो बंद कर दी, इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया। उसके बाद डायरेक्ट जो था सीधे हम लखनऊ ही पहुँच गए। 7:30 पे निकले थे एंड अभी टाइम होने जा रहा है 9, 1.5 घंटे के अंदर पहुंचा दिया भाई साहब। चलो बढ़िया ट्रेन थी, सुपर फास्ट थी ना भाई साहब, इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है सुबह से, जो मौसम देख रहे हो भाई साहब कितना बरसात वाला, पानी बरसा है तो बहुत ठंडी हवा चल रही, बहुत अच्छा रहा मैंने अंदर बनियान डाल दी, वरना मैं तो कभी डालता नहीं हूँ ऐसे बनियान, लेकिन अभी भी ठंड लग रही है यार, एक हुडी डाल लेनी थी आज। तो अभी हम लखनऊ रेलवे स्टेशन पर छोटी लाइन पे हैं, एंड एक चीज़ मेरे को याद आ रही है, जब आज से करीबन 7-8 साल पहले जब मैं वहाँ जा रहा था बैंगलोर पहली बार, तो हम लोग की ट्रेन ना निरस्त हो गई थी, तो भाई साहब पूरा दिन हम लोग यहाँ पे बैठे रहते इस पोर्शन में, हम मामा मामी बासु वाला एंड छोटू था पुआए वाला, भाई साहब पूरा दिन बैठे रहते, वही याद आ रहा है सब। और तब लखनऊ मेट्रो जो थी बनना स्टार्ट हुई थी, एंड अब पूरी लखनऊ मेट्रो भी देखो बन चुकी है इधर। पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए ओए।
काइंडली भैया रेस्ट कमांड हॉस्पिटल। अब ये जो यहाँ पे चेकअप वेकअप अभी जो कुछ भी होगा वो कराते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। भाई साहब यहाँ दिमाग खराब हो जाता है, इतनी दूर दूर सब चीजें हैं और 20-20 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, और अब भूख भी लग रही बहुत जरूर थी, बिकॉज जब सुबह घर से निकले थे बस आधी कप चाय पी थी और दो पार्ले जी बिस्किट खाए थे, बिकॉज सुबह सुबह कुछ मनी नहीं होता 5 बजे खाने का। बाकी खाना ना लाए बैग में, अभी खाएंगे। मामा का नंबर लगा हुआ 34 नंबर है, अभी चौथा नंबर चल रहा है, टाइम बहुत लग रहा है यार यहाँ पे। और बाकी हमारी 2 बजे की ट्रेन भी है जो हरदोई जाएगी, उसका रिजर्वेशन हो रखा है, अगर यहाँ हो गया 2 बजे तक तो ठीक है, वरना फिर से छोड़ देंगे। फिलहाल बज चुका है करेक्ट 12 और अभी तक मामा का नंबर नहीं आया, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो। इतनी देर में हमने मामी को भी दिखा दिया, मामी को भी दिखाना था लेकिन मामा नहीं दिख पाए, अभी 8-9 नंबर बचे हैं। तब तक सोच रहे हैं खाना खा लेते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सब लोग ऐसे ही सुबह आ गए थे, खाया पिया था नहीं कुछ। चलो यहीं मस्त गार्डन में ही बैठ के खाना खाएंगे, ऐसी जगह खाना खाने में मज़ा बढ़िया आती है यार। हम दूर भागे तेरे बिना, गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना। तो बस अपना हमने खाना पीना कर लिया, मामा गए हैं अब अपना वहाँ दिखाने के लिए, उनका नंबर आने वाला होगा, हम लोग यहाँ पे सारा सामान वामान समेट रहे हैं। और बाकी तुम लोग देख रहे होगे कि कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे शॉट्स आ रहे हैं, मतलब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब यहाँ पे तुम लोग ये चीज़ समझो, यहाँ पे खेल जो है वो फोन का नहीं, यहाँ पे खेल है लाइटनिंग का। तो बहुत सारे लोग को ये रहता है कि हम बढ़िया वीडियो कैसे बनाए, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, तुम्हारे पास फोन चाहे कोई भी हो, अगर तुम बढ़िया लाइटनिंग में शूट कर रहे हो ना, वीडियो हमेशा बढ़िया बनेगा। अगर तुम्हारे पास एंड्रॉयड फोन भी है और अगर तुम अच्छी लाइट में शूट कर रहे हो तो वीडियो अच्छा बनेगा, बढ़िया क्वालिटी में आएगा। इसीलिए फोन पे ध्यान मत दो, ध्यान दो कि अच्छी लाइटनिंग कहाँ पे मिल रही है, फ्रेम कहाँ पे अच्छा आ रहा है, तब अच्छे शॉट आते हैं। और साथ में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो आगे चल के बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता हम करें कैसे। तो उन लोगों को मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले नंबर पर बेफालतू के व्लॉगर्स को देखना छोड़ दो, कुछ व्लॉगर्स हैं उनको देखो, उनकी एडिटिंग स्किल्स देखो, वो कैसे शॉट लेते हैं वो देखो, तभी तुम अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें देख के कॉपी करो, कॉपी कभी किसी को नहीं करना है, बस देखना है वो कैसा कर रहे हैं, फिर उसमें थोड़ा सा अपना इंक्लूड करके तुम्हें करना है। लाइक एक हो गया कैमरा वाले भैया, हो गया एक, हो गया इरफान जुनिंजो, और एक शिवा तिवारी अपने लखनऊ का ही है। तो ये कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो मतलब खतरनाक एडिटिंग करते हैं, और इनके व्लॉग्स अलग ही होते हैं, महीने में एक व्लॉग आएगा लेकिन जो व्लॉग होगा वो बिल्कुल खतरनाक होगा। तो ऐसे क्रिएटर्स को देखो जो सच में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बेफालतू के क्रिएटर को मत देखा करो, जैसे कि वो हो गया अरमान मलिक, दो दो वाइफ लेके घूम रहा है, ये सब चीज़ें मत देखो, डंगी चीज़ें देखो अगर लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हो। क्या मतलब तनिष्क भाई आपकी वीडियो भी नहीं देखेंगे? तो भाई टाइम हो रहा है 12:30, फाइनली सब कुछ हो गया, बस मामी अपनी दवाई लेने के लिए जा रही हैं। पता है मामा का भी ढंग से हो नहीं पाया, एक्चुअली जो उन्हें देखती है ना वो मैम छुट्टी पे गए हुए हैं, दूसरे सर थे, तो उन्होंने बोला ज़्यादा मतलब कुछ बोला, उन्होंने बोला जो दवाई खा रहे हैं अब वही खाइए, और मैम इनकी आएंगी 1 महीने बाद तक, वही बता रहे हैं 20 तारीख के बाद, तो एक बार तब आना होगा फिर से दिखाने के लिए अच्छे से। सोच लो जिस काम की वजह से मैं आए थे वो मिलनी हो नहीं पाया। अब हम निकल रहे हैं वापस हरदोई के लिए, ऑटो कर रहे हैं, जा रहे हैं फिर से स्टेशन, हमारी ट्रेन है 2:30 बजे की, अभी 1.5 घंटा है, तो यहीं देखो थोड़ा बहुत लखनऊ में घूमेंगे, वो सब अगले ब्लॉग में देखना। बाकी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, 25 रुपये। हाँ तो भाई कह रहे थे फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे आपसे जल्दी ही कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई साहब मस्त बिजली कड़क रही है यार, डर भी लग रहा है शूट करने आया हूँ, लेकिन ओ भाई, ओ भाई, चलो भाई चलो यार, एक शॉट अच्छा आ जाए, बस बीच में आ रहे ना।